वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट जबरदस्त से चिकन के चपली कबाब बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पाउंड चिकन थाई का कीमा है। आप चाहें तो चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन थाई मॉइस्ट होता है पार्ट, तो इस वजह से मैंने वो लिया है। तो ये 1 किलो के आसपास है। तो अब हम इस ग्लव्स पहनते हैं और मसाले झटपट ज़बरदस्त से डालने लगते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ जिंजर गार्लिक है 1-1 टेबल स्पून भर के, तो वो डाल देते हैं। ये लहसुन पेस्ट और ये अदरक का पेस्ट 1-1 टेबल स्पून। और अब इसमें हम डालेंगे ज़बरदस्त से मसाले, 2 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर। अगर आप चाहें तो कुटा कुटा टाइप का भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ये पसंद नहीं आता तो ये पाउडर है। तो 2 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। चलो ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए 1 टमाटर लिया है जिसके सीड्स निकाल के छोटा छोटा चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। आप चाहें तो कम डालें, आप चाहें तो ज़्यादा डालें। और यहाँ 4 टेबल स्पून हरी प्याज है, अगर हरी प्याज ना डालनी हो तो कोई भी प्याज डाली जा सकती है। और ये हैंडफुल हरा धनिया है, तो ये सब चला जाएगा इसमें। और बेसिकली जो है चपली कबाब में फैट बहुत होता है, जब वो नेचुरल फैट होता है ना। अगर आप चाहें तो ये आप किसी और मीट में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ फैट अगर नेचुरल पिसवा लेंगे तो वो एक्चुअली चपली कबाब की पहचान है। लेकिन ये हमने तो फैट नहीं लिया है, अगर आप लें तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। और ये देखें हमारे पास यह मकई का आटा है, तो अगर आप मकई का आटा लेना चाहते हैं तो मकई का आटा लें, अदरवाइज आप भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं। तो ये 1/2 कप है, तो ये डाल देंगे। और बाइंडिंग के लिए 1 अंडा डाल देंगे। अगर आपको अंडे से इश्यू है तो अंडे बगैर बना लें, और बाइंडिंग ये जो है थोड़ा कम डाल दें क्योंकि हार्ड हो जाएगा ना वरना। चले अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है अभी से अनारदाने की, भुने हुए धनिया की, जीरे की। चलें ये ज़बरदस्त सा मिल गया है। और अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं है, थोड़ा सा पतला लग रहा है या कुछ, तो 1-2 टेबल स्पून बेसन और डाल दें, या फिर 1-2 टेबल स्पून मकई का आटा और डाल दें, लेकिन ये बिल्कुल सही है। चलें तो अब हम क्या करते हैं, चूल्हे को करते हैं ऑन और यहाँ डालते हैं थोड़ा तेल, यानी तकरीबन डालेंगे 4 से 6 टेबल स्पून तेल। नीचे का पोर्शन यूजुअली पूरा ऑयल में होता है। देखिए यहाँ तेल रखा हुआ है, थोड़ा सा तेल वाला हाथ करेंगे या ग्लव्स करेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो लंबाई में बनाएं और चाहें तो गोलाई में बनाएं, लेकिन जितनी साइज़ की आपको चाहिए ना कबाब, उससे थोड़ा सा बड़ी बनाएं, क्योंकि ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी तो थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। तो ये देखें ये अच्छी सी बन गई है। अब देखते हैं कि तेल थोड़ा देर है तो अभी यहाँ रख देते हैं, दूसरी बना लेते हैं। चपली कबाब की मज़े की बात क्या है कि रूखी खा लो, पराठों के साथ खा लो, इवन मैं तो चावलों के साथ खाती हूँ, नान के साथ, डबल रोटी के साथ, बन में डाल लें कटलेट्स की तरह, हर तरह से वो इतनी मज़े की लगती है और हर जगह जाके उसका मज़ा बढ़ जाता है और फिर बनाने में इतनी ईजी।
चलें, ये मेरे ख्याल में आता है तेल जो है हमारी हीट आना शुरू हो गई है, तो अब हम इसको डाल देते हैं। और इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, इस तरह से बना के खुले खुले रखें और उसके बाद जम जाए तो जिप लॉक बैग में डाल दें, बड़े अच्छे रहेंगे। और सुनाए क्या हाल है, कौन कौन पहुंच रहा है चपली कबाब खाने के लिए बताएं, मैं वेट करूंगी इस मरतबा तो। ये देखें हमारी लास्ट वाली ये हो गई चपली कबाब, और यहाँ हमारा पलटने का टाइम हो गया है, तो चले पलटते हैं। देखिए हमने 5 मिनट के आसपास एक साइड रखा है, और अब 2-4 मिनट एक साइड रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और यहाँ हमारी हो गई है, जैसे ये निकालेंगे ये डाल देंगे। अब आपकी मर्जी है, आप थोड़ा अगर सॉफ्ट साइड पर रखना चाहते हैं तो सॉफ्ट रखें, पका लें इतनी, लेकिन क्रिस्पी किसी किसी को पसंद है तो जैसा आपका दिल चाहता है ऐसी आप बनाएं। चलें निकाल लेते हैं। चले अब ये भी डाल देते हैं। और ये देखिए बेबी कबाब, एक छोटा सा इसको भी डाल देते हैं, ये रह गया था तो हमने कहा बेबी बना लेते हैं। देखें ये वाला कलर जो है ना, कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को ये डार्कर पसंद है, आपको जो पसंद हो आप रखें, फील फ्री। मुझे लगता है जब रोटियों और पराठों के साथ खाते हैं ना, जब थोड़ा लाइटर कलर अच्छा लगता है, और जब रूखी खाते हैं जब वो अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा वैरायटी बनाती हूँ। आपको जैसा अच्छा लगता है आप भी बनाएं। आइए ये बेबी कितना क्यूट लग रहा है, ऐसे ही बनाने चाहिए मुझे लग रहा है, ढेर सारे बन जाएंगे, 1 मिलियन। तो चले अब हम डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ी सैलेड रख देंगे, थोड़ी सी प्याज के लच्छे रख देंगे, थोड़े टमाटर रखेंगे, और यहाँ रख देंगे लेमन्स। तो देखा कैसे झटपट बन गई। मोस्ट ईजीएस्ट थिंग और मोस्ट यमी थिंग जो है वो है चपली कबाब। बिलीव मी, बनाने में आसान, सेव करने में आसान। ये हल्का सा फ्राई करके भी आप रख सकते हैं फ्रीज़र में, कच्ची भी सेपरेट सेपरेट रखें, फिर जब सख्त हो जाए तो जिप लॉक बैग में या कंटेनर में डाल दें। लाइफ ब्यूटीफुल, और फिर सब खुश भी हो जाते हैं पराठों के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, बन के अंदर रूखी, लाइफ सेट। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लक कैसी रही है। कातिलाना खतरनाक, अमेजिंगली अच्छी है, इतनी टेंडर है अंदर से, इतनी मॉइस्ट है ऊपर से, एकदम देखा आपने कितना अच्छी बाइंडिंग और कितने खतरनाक मसाले हैं। मकई का आटा जो है वो मुझे हमेशा से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आने लग जाता है। लेकिन जब भी कभी ना हो नो प्रॉब्लम, भुना हुआ बेसन डाले, कच्चा ना डाले, बाइंडिंग आपकी ज़बरदस्त होगी। परेशानी देखा ना बनाने में ना फ्राई करने में, कैसे ज़बरदस्त तरीके से होगी। अब आप लोग जाएं जल्दी जल्दी बनाएं, धमाल मचा दें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन मज़ेदार रेसिपी के साथ।
लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।